राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद जिले में एक शख्स को कार मॉडिफाइड कराना उस वक्त भारी पड़ गया जब पुलिस ने सड़क पर अराजकता फैलाने वाली इस कार को सीज कर साथ ही 42,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। दरअसल थाना टीला मोड़ पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार को अवैध तरीके से मॉडिफाइड कराकर सड़क पर अराजकता फैलाने की वजह से सीज कर इस मॉडिफाइड कार के पीछे बड़े बड़े स्पीकर लगाए गए थे जिन्हें बजाने पर गाड़ी सड़क पर जम करती थी। साथ ही गाड़ी के शीशे नीले रंग के थे और पूरी गाड़ी पर स्टीकर ही स्टीकर नजर थे, जिसको देखते हुए पुलिस ने कार को सीज किया और उस पर 42,000 रुपए का जुर्माना किया। थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा एक डांसी कार को पकड़ा गया है जिस पर 41,500 का जुर्माना लगा करके गाड़ी को सीज कर दिया गया है। आने वाले समय में जो नए वर्ष पर जो भी व्यक्ति इस तरह के डांसिंग कार, डांसिंग ट्रैक्टर या बुलेट बाइक से स्टंट करते हुए पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और मैक्सिमम जुर्माना करके गाड़ी को सीज किया जाएगा। आपको बता दें कि गाजियाबाद के पुलिस मुखिया यानी SSP कलानिधि नैथानी ने जिले में वाहन पर आपत्तिजनक चिन्ह, लेख, इशारे वाले स्टीकर या फिर गैर कानूनी रूप से वाहन को मॉडिफाइड कराकर अराजकता फैलाने वाले चालकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इसी कड़ी में इस मॉडिफाइड कार को सीज किया गया है।